नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के Q3 के नतीजों के बारे में, किस तरीके का रहे नतीजे और क्या यहां से अब यस बैंक का स्टॉक फिर से अपमूव लेता हुआ चालू करेगा, क्योंकि जिस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन बैंक में हुए थे, बहुत ही छोटे से रेंज में स्टॉक कारोबार कर रहा है और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के पैसे इस स्टॉक में डूबे हैं। तो अगर हम बात करें इस बार के Q3 के नतीजों के, जो दिसंबर क्वार्टर के आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों जो भी नतीजे हैं वो है लाख में उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,898 करोड़ का नंबर जो है वो आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था लगभग 4,652 करोड़ का। तो वहाँ से आपको इस बात के रेवेन्यू में बढ़त देखने मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर से 2020 के, तो 5,321 करोड़, तो वहाँ से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है, गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे क्वार्टर थोड़ी बढ़त आपको आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अदर एक्सपेंसेस की, जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंड और वो सारी चीज़ें अगर हटा दी जाए, तो आपको अच्छा खासा जो बढ़त है वो भी आपको एक्सपेंसेस में देखने मिल रहा है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मार्केट की कीनली वॉच होती है वो होता है प्रोविजनिंग का नंबर, प्रोविजन इस क्वार्टर में कितने किए हैं। तो आप देख सकते हैं 374 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वो इस क्वार्टर का आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ था। तो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, पिछले क्वार्टर में बराबर है। लेकिन अगर आप साल दर साल आप यहाँ देखते हैं तो एक बड़ी गिरावट देखने मिलेगी, लगभग 2,890 करोड़ के आसपास का प्रोविजन जो था वो लास्ट ईयर किया था, और वहां से आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव है। इस चीज के लिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट देखने मिलेगा प्रोविजनिंग का नंबर, लेकिन साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो प्रोविजनिंग के जो नंबर में उसमें बड़ी गिरावट है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे मानी जाएगी। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें सारी चीज़ों को निकालने के बाद, तो आप यहाँ पे देखेंगे 266 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया इस क्वार्टर में। 225 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में, तो वहाँ से आपको एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। और पिछले साल से आप देखेंगे तो 150 करोड़ के मुकाबले 266 करोड़ का प्रॉफिट, तो एक बड़ा जंप जो है प्रॉफिट में देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए ये चीज़ अच्छी मानी जा सकती है इस बैंक के लिए, कि यहाँ पे साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, किस तरीके से आती हुई दिख रही है, 17.6 पे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, जो कि 17.4 थी पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 19.4, तो वहाँ से थोड़ा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके कारण इस बैंक की जोरदार पिटाई हुई थी, वो थी ग्रॉस एनपीए का लगातार बढ़ना। और इस बार जो ग्रॉस एनपीए का नंबर आता दिख रहा है 14.65%, मार्जिनल इंप्रूवमेंट है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.97 के मुकाबले। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 30-32 बेसिस पॉइंट का सुधार यहाँ पे देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 15.36, तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट आपको इंप्रूवमेंट ही देखने मिल रही है। लेकिन नेट एनपीए जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है, 5.29% आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में 4.04 था, पिछले क्वार्टर में 5.55% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको नेट एनपीए घट रहा है, लेकिन अगर साल दर साल आप देख रहे हैं तो आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है वो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे प्रोविजनिंग के नंबर में अच्छी खासी जो इंप्रूवमेंट है वो साल दर साल देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी थोड़ी सही, लेकिन जो है इंप्रूवमेंट वो आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो उसको बैंक के लिए एक पॉजिटिव समझना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से यहाँ पे आपको प्राइस देखने मिल रहे थे फ्राइडे के दिन, 13.75 रुपये पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट होता नहीं है इस स्टॉक में, आपको देखने को मिलेगा नहीं। दिन भर की रेंज 13.60 रुपये, 13.85 रुपये, 20-25 पैसे में स्टॉक खेल रहा था। 52 वीक रेंज देखेंगे, 10.5 रुपये का लो है, 18 रुपये का हाई है, तो कहीं ना कहीं लोअर रेंज पे आए बाई करें, अपर रेंज पे आए सेल करें, इसी तरीके से चल रहा है। 6-7 करोड़ शुरू के आसपास के वॉल्यूम थे यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में। चार्ट पे अगर देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो आपके लिए दोस्तों ये स्टॉक जिस तरीके से एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया था, तो एक रेंज में है पिछले कई क्वार्टर से। अगर आप देख रहे हैं तो जून क्वार्टर से आप ऊपर देखेंगे अपसाइड में एक रेंज बनी हुई है 15 रुपए के आसपास की। आपको 15 रुपए के आसपास स्टॉक आता है वहां पे, ये स्टॉक सेल होता है, आते ही वहां पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। चाहे जब जब आप देखेंगे 4 से 5 बार ऐसा होता हुआ दिख रहा था अपसाइड में, और डाउन साइड में अगर आप मोटा मोटी लेवल लेके चलते तो 12 रुपए, 12.5 रुपए का रेंज है जहां पे स्टॉक आता है, तो वहां पे स्टॉक को सपोर्ट मिलता है और वहां से स्टॉक में बाउंस आता है।
तो एक रेंज है 12 रुपए से 15 रुपए मोटा मोटी आप यहाँ मान के चल रहे हैं। अभी स्टॉक का जो प्राइस चलता हुआ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 13 रुपए 75 पैसे पे। मार्केट में थोड़ा कमजोरी चलता हुआ जरूर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे हो सकता है स्टॉक फिर से एक बार 13 रुपए तक आने की कोशिश करे और अपसाइड में 15 रुपए इसके एक रेजिस्टेंस के जो रूप में ही काम काज करता हुआ दिख रहा है। 15 रुपए का लेवल अगर ये स्टॉक अच्छे से निकाल लेता है ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको ये स्टॉक एक बार 16 17 18 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन हुई है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे 17 18 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेट करके रखा है, एवरेज करके रखा है, कहीं ना कहीं उनके लिए अभी यहाँ पे इस स्टॉक में पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले जो था 400 रुपये तक स्टॉक गया था, लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझना चाहिए कि इक्विटी साइज कम थी और अभी यहाँ पे इक्विटी की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो लोग इस सपने में बैठे हैं कि ये स्टॉक फिर से 400 रुपये चला जाएगा और उनके पैसा रिकवर हो जाएंगे, तो दोस्तों इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पे इक्विटी जो है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पे तो अगर आपका ये 13 रुपए का स्टॉक 20 25 30 रुपए तक भी चला जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। जब तक यहां पे बैंक के फंडामेंटल्स और सारी चीजों पे विश्वास नहीं आ जाएगा कि ये वाकई में फिर से रिवाइव करने वाला है, तब तक यहाँ पे आपको कोई बड़ा मोमेंट देखने मिलेगा नहीं। जब तक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाता इस बैंक के साथ, तब तक आपको इतने बड़े मोमेंट देखने नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मार्केट में तेजी आए तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन जो रैली या जो रनअप जो आपको पहले देखने मिलते थे आज से 4 5 6 साल पहले इस स्टॉक में, वैसी चीजों के लिए अब आपको शायद यहाँ पे थोड़ा मिसिंग होता हुआ जरूर दिखाई देगा। मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे इतनी बड़ी रैली होना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बहुत जबरदस्त मुनाफा पेश कर रहे हैं। तो अगर आप वहां पे चूज करने के लिए बोलेंगे कि आपको वहां पे HDFC बैंक, ICICI बैंक के सामने यस बैंक को कहाँ रखना है, तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे इस बैंक को पीछे ही रखेंगे, रादर देन कि आप HDFC बैंक ICICI बैंक से इसका कंपेयर करते हैं। डेफिनेटली अगर ये बैंक आगे चल के अच्छा बड़ा मुनाफा करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, तो एक अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे उतने बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर भी स्टॉक में आपको कीमत नीचे है, पेनी स्टॉक के जैसे ही स्टॉक अब ये कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है 10 15 रुपए की रेंज में, तो एक रेंज जिसको खेलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक ये होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस स्टॉक में प्ले करना, और बहुत से लोगों ने इसमें एवरेज किया है, इसलिए वो लोग इस स्टॉक को छोड़ नहीं पा रहे, वो एक सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम होता है वो दिख रहा है। लोगों दोस्तों यहाँ पे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट होगी 15 रुपए की अपर रेंज, 14 15 रुपए के आसपास की, और लोअर साइड में अगर आप देख रहे हैं तो 13 13.5 रुपए इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो इसी रेंज में स्टॉक कामकाज कर सकता है, कोई ज्यादा बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद यहाँ पे करना बेमानी होगी, ये सीधा सीधा कहा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।